हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और खुशियाँ बांटेंगे। दोस्तों आज देखिए गीता जी का जो है ना वॉशिंग मशीन वो ख़राब हो गया था। दोस्तों तो आज का वीडियो जो है वो कुछ रोचक और अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इनका जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गया है और उस वॉशिंग मशीन को हम बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि घर के अंदर में जितना भी सामान इक्विपमेंट्स जो भी यूज होता है दोस्तों वो ख़राब होता है। वो इनको बाहर बनवाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब सारे जितने भी सामान वगैरह है हमारे घर के मिस्त्री है, हाँ वो हम ठीक कर लेते हैं दोस्तों सारे सामान को। क्योंकि हमारे घर के अंदर में ना पहले से ही बिजली का काम होता था गाँव में। यहाँ हमारे यहाँ पंखा, मोटर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान लगभग होते हैं ना 50% से ऊपर ज़्यादा इनको आता है। हाँ, उस समय जो रील वाला जो डेक वगैरह होता था वो सब भी हमारे यहाँ ठीक होता था, इसलिए हमें वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, पंखा और भी बहुत सारे जैसे हो गया आपका ये मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर, मिक्सी, हाँ तो ये सब का हमें नॉलेज है और ये सब ठीक कर लेते हैं। इस यही वजह है कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का और इलेक्ट्रिक का हमें नॉलेज होने की वजह से हमें गाड़ी कहीं भी ठीक करानी नहीं पड़ती है। गाड़ी के बारे में मैं खुद समझ करके और अच्छी तरह से बनाता हूँ। तो इस तरह से एक बात और भी है, इनको अगर कोई चीज़ नहीं भी आता है ना तो भी उनको उसको क्या करेंगे, खोल के देखेंगे और उसको वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि आखिर क्या चीज़ है। आखिर इंसान ही तो बनाया होगा, जैसे कोई दूसरा कोई तो बनाया नहीं होगा, तो वो इंसान बना सकता है तो हम उसको देख तो सकते हैं आखिर चीज़ क्या है। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बना लेते हैं दोस्तों जितने भी चीज़ है। जब कोई भी चीज़ खुलता है तो ये बना लेते हैं। थोड़ा सा परेशानी होती है उस चीज़ को सेटिंग करने में, लेकिन फिर उनको समझ में आता है, दाग वाग मार देते हैं पेंसिल वेंसिल से, ये इस टाइप से घुसा था, ये इधर से घुसा था, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम कर लेते हैं और वो कामयाब हो जाती है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो में देखिए हम वॉशिंग मशीन को बना रहे हैं दोस्तों। और आप भी कभी घर का कोई छोटा मोटा सामान अगर खराब हो जाता है, नहीं भी आता है बनाने, कोई बात नहीं है, आप उसे खोल के देखिए और मार्का लगाइए कैसे निकलता है चीज़ और कैसे लगाया जाता है। बस उसके बाद आप मशीन को पूरा खोल दिए हैं, पार्ट इधर से ये पूरा खुला हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये कवर अवर सब खुला हुआ है, इधर से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सारा मशीन वगैरह जो है वो खुला हुआ है, वो काट दिया था दोस्तों। तो इसमें चूहा ऊपर में मशीन में आ करके ये देखिए ये सारा वायर सब जो है वो काट दिया है। तो इस वायर को जोड़ेंगे और फिर मशीन को सेट करेंगे और फिर चलाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये सारा मशीन वगैरह है, ये खुला हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये तार कटा हुआ था, इस तार को हम जोड़ दिए हैं, अभी एक बचा हुआ है। ये सब के कार्बन छोड़ा करके और उसके बाद सबको जोड़े हैं। और ये देखिए लास्ट वायर जो बचा हुआ है, 1 2 3 वायर कटा हुआ था, अब ये चौथा जोड़ेंगे और उसके बाद इसको इस तरह हम जो है वो सारा वायर को जोड़ दिए हैं अच्छी तरह से और उसके ऊपर से टेप से रैप कर दे रहे हैं ताकि चूहा फिर से इसको ना काट सके। तो हमने ये पूरी तरह इसको रैप करके पैक कर दिया है दोस्तों और इसको यहाँ से कट कर ले रहे हैं दोस्तों। ये कट हो गया और सब लोग सही से तार को बांध रहे हैं ताकि ये तार खिंचाए नहीं इधर से उधर। थोड़ा सा धूल वूल है उसको भी ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं। चूहों ने तो बिल्कुल अपना प्रॉपर्टी समझ के कुछ भी कर देता है। ये वॉशिंग मशीन पहली बार ऊपर से खोले हैं। ये वैसे कुछ थोड़ा बहुत टूट जाती है तो नीचे से ही तार बार जोड़ देते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक बटन ही ख़राब हो रही थी, उसमें तार टूट रही थी जो इन्होंने जोड़ दी है पहली बार। दोस्तों ये मेरे पास सैमसंग का डायमंड ड्रम करके नाम करके सैमसंग का टॉप लोडिंग मशीन है ये। तो दोस्तों मशीन के जो ऑटोमेटिक का जितना भी तार था वो तार को ना चूहा काट दिया था दोस्तों। तो इसको हम खोले थे, लेकिन उसके बाद हम जब खोलने के बाद जब पता चला तो हमें लगा कि ये ड्रम जो है ड्रम बहुत ज़्यादा दोस्तों गंदा है। ये देखिए अंदर से ड्रम बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन हमने खोलने का प्रयास करा दोस्तों, पूरे सब चीज़ खोल दिए, लेकिन ये एक वाला जो ये जो बड़ा वाला जो नट है ये नहीं खुल पाया हमसे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास इसका खोलने का इक्विपमेंट्स होता है, तो मेरे पास नहीं है। फिर भी हम इसको ऐसे दबा करके ऊपर से इसके बीच से इसको साफ़ करने का कोशिश करेंगे दोस्तों, और ये सारे को हम साफ़ करेंगे डायमंड ड्रम इनको। तो दोस्तों ये देखिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों घर किस तरह से बिखर गया है, पानी पानी हो गया है, सारा वॉशिंग मशीन खुला हुआ है और हम ड्रम सब खोल दिए हैं। देखिए वॉशिंग मशीन में क्या ये जितने हैं सारे खुल गए हैं दोस्तों। ये अब इसकी हम सेटिंग करेंगे दोस्तों। देखिए सारे को हम इसको अब असेंबल कर रहे हैं। सैमसंग का ये कपड़े धोने का मशीन है, वॉशिंग मशीन। तो ये खराब हो गया था दोस्तों, तो इसको अभी हम ठीक किए हैं, और इसका जो ड्रम था वो भी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको साफ वगैरह कर दिए हैं। फाइनली देखिए दोस्तों गीता जी का मशीन जो है वो असेंबल हो गया है अच्छी तरह से, और ये चल रहा है, ये कपड़े धुल रहा है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से देख लीजिए ऊपर पूरा झाग झाग हो गया है ये। और ये देखिए ये अभी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं जैसे ही है, क्योंकि इस पे ना पिन्नी लगा रखे थे दोस्तों, और फिर इसमें पिन्नी फिर से लगा देंगे दोस्तों, कल उखड़ गया था ये सारा। ये इसको बनाने में रात हो गया, 9-10 बज गया था दोस्तों असेंबल करते करते, अच्छी तरीके से किए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के रखते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल ऑल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इस तरह के हम नए नए वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय।